कल रात को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। यह हत्या पुलिस के आंखों के सामने पुलिस के बीच में हुई और जिन हत्यारों ने यह हत्या की उन्होंने बाद में सरेंडर भी कर दिया और वो पुलिस की इस समय गिरफ्त में है। लेकिन उसके बाद में पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर, चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और पुलिस की जो कानून की व्यवस्थाएँ हैं वो थोड़ी सी सख्त नज़र इस समय आ रही हैं। आइए हम आपको ये यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो चौराहों पर वो संवेदनशील इलाकों पर वो लगाए गए हैं और वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि कल जो कुछ भी हुआ वो किस तरह की घटना थी, क्या उसके लिए पुलिसकर्मी ज़िम्मेदार थे या कौन ज़िम्मेदार था। हालांकि 17 पुलिसकर्मी जो कि कल उस समय अशरफ और अतीक साथ में मौजूद थे उन सभी 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो क्या नज़रिया है लोगों का इस समय, अब क्या बदल रहा है मिजाज, वो हम जानते हैं। यहाँ कुछ पब्लिक से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की हवा जो है वो कल रात के बाद से चेंज हुई है। सर, कल रात को जो कांड हुआ पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने, हत्यारों ने जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया है, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? सर, ये तो जो बोया है वो ही काटेगा आदमी, ठीक है ना। अब जो भी है अब वो तो सरकार के ऊपर। जी सर, क्या क्या लगता है आपको कि क्या हुआ है कल और किस तरीके से उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किसका हाथ हो सकता है, क्या क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? आदमी जो कर्म करे हो सब भुगते हो, जो कर्म करे हो भुगते हो, का हो तो अच्छे कर्म करेगा। तो ये जिन लोगों ने हत्या की है क्या वो तरीका सही था? एनकाउंटर तो पुलिस भी करती है। सभी तरीका सही है, जो कर्म करेगा भुगते हो, वहाँ का मतलब हो। अरशद के बेटे की परसों एनकाउंटर हुआ और कल अरशद की हत्या कर दी गई, तो ये काम कानून का है, पुलिस का है, न्यायालय का है, क्या किसी व्यक्ति विशेष को ये अपने हाथ में लेना चाहिए था, कानून को हाथ में लेकर जो ये जो काम किया गया है उस पर क्या कहना चाहते हैं? अपने हाथ में तो भाई पुलिस कर रही है, सही कर रही है। अतीक और अशरफ दोनों की कल हत्या की गई, क्या कहना चाहते हैं उस पर? कहना क्या, जो जैसा कहे करेगा वो वैसा ही भरेगा। वो भरेगा, लेकिन जिसने भी हत्या की है तो वो ना तो पुलिस वाले थे जिनको एनकाउंटर करने का हक था, वो आप ही थे, ना 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 माननीय न्यायालय का कोर्ट का आदेश हुआ ना वो लोग थे। तो जिन लोगों ने किया वो सही था या गलत था या क्या क्या क्या, क्या प्रतिक्रिया? इसका तो कोर्ट ही फैसला करेगा, पुलिस ही कार्रवाई करेगी, और क्या होना है इसमें। करने वाले तो आप ही थे, मीडिया ही थी, कहने का मतलब मीडिया के भेष में थे। हाँ, वो जो भी है, अब भेष कह लो या मीडिया कह लो, कुछ भी कह लो, अब जो आगे कार्रवाई पुलिस का काम है, इसमें और क्या है। क्या कहना चाहते हैं सर? बताइए। जो भैया ने बताया वो बिल्कुल सही है, पुलिस ही कार्रवाई करेगी अब तो। चलिए, तो लोग जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी काम होगा, जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का होगा, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी हमें अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद KIA News के साथ जुड़ने के लिए।